कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। आखिर क्या है ये अधूरा ट्रक? क्या हुआ कि संजू बाबा करेंगे कन्नड़ा में डबिंग? क्या KGF चैप्टर 2 के टारगेट हो पाएंगे पूरे? नमस्कार, बॉलीग्रैड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग मूवी KGF चैप्टर 2 के साथ। तो अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। KGF चैप्टर 2 का नाम सुनकर ही तो आप जान ही गए होंगे कि मैं अब किस बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि इस मूवी के पहले पार्ट जो कि KGF पार्ट 1 ने तो मानो जैसे बॉलीवुड की दुनिया में धमाका ही कर दिखाया हो। और बात जब KGF चैप्टर 2 की करें तो दर्शकों को बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा है कि रॉकी का जलवा और उनका एक्शन क्या रंग दिखाएगा। KGF चैप्टर 2 के डायरेक्टर हैं प्रशांत नील, और तो और डायरेक्शन के साथ साथ प्रशांत नील ने इस मूवी को लिखा भी है। तो देखना अब यह है कि कहानी में कितना है दम और सबर कितना करें हम। इस मूवी का प्रोड्यूसर हैं विजय किरंगदंदर। KGF चैप्टर 2 की शूटिंग की शुरुआत के लिए दरअसल हैदराबाद में एक बड़ी फॉर्मल पूजा सेरेमनी हुई थी और पूजा शुरू हुई थी फिल्म 13 मार्च 2019 में। और इस मूवी की एक्चुअल शूटिंग स्टार्ट हुई थी 4 जून ललिता महल पैलेस में, जो कि एक मैसूर के प्यारे से शहर में है। 7 दिसंबर को डायरेक्टर प्रशांत नील ने ट्वीट करके कहा कि डबिंग सेशन कंप्लीट हो चुकी है एंड अधीरा इज बैक, सी यू ऑल ऑन 14 अप्रैल 2020। और वहीं संजय दत्त ने ट्वीट करके अपनी और प्रशांत नील के साथ 4 पिक्स पोस्ट की, और उसमें से लास्ट वाली पोस्ट में स्क्रीन के पीछे नजर आ रहा है कि उसमें लिखा है अधीरा ट्रक और उसके नीचे एक टाइम स्पेसिफिक किया है जो कि 5:30। तो जाहिर है कि फिल्म में उनका एक सीन होगा जो शायद ओपनिंग सीन भी बन सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, जिसकी डबिंग संजय दत्त ने हाल ही में की है। और इस सीन का डबिंग टाइमिंग है 5 मिनट्स 30 सेकंड्स। दर्शकों के रिएक्शन में काफी एक्साइटमेंट दिख रहा है और अधीरा इज बैक इन एक्शन काफी जोरों शोरों से एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है। अब यहाँ डबिंग सेशन की बात की गई है तो दर्शकों का मानना है कि संजू बाबा कर रहे हैं कन्नड़ा की वॉइस में डब। तो देखना यह है कि क्या सस्पेंस है इसके पीछे और क्या नतीजा लाएगा डबिंग रिजल्ट। फैंस KGF 2 का टारगेट मान रहे हैं 100K in 10 मिनट्स। तो अब भला देखना यह है कि क्या ये मूवी वाकई तोड़ पाएगी टारगेट कि नहीं। ये मूवी जाहिर है कि 14 अप्रैल को सिनेमा घरों में नजर आने वाली है। तो चलिए तब तक देखते हैं कि क्या रंग लाती है ये मूवी। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ और मसालेदार खबरों के साथ। धन्यवाद।